जी प्री मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 22nd of September 2023, दिन है फ्राइडे, दैट मींस आज वीक का लास्ट डे है। तो आइए देखते हैं कि करेंसी पेयर्स में क्या क्या डिफरेंट एक्टिविटीज हुआ है। कल डॉलर इंडेक्स एक ऊपर में ब्लिप मारा था टुवर्ड्स 105.73, बट सस्टेन कर नहीं पाया एंड क्लोज लोअर एट 105.38। लेकिन आज सुबह से ही थोड़ा सा बुलिशनेस दिख रहा है एंड इंडेक्स इज करेंटली 805.50 लेवल में। सो 105.50 से 105.70 इस जोन, दैट मींस द रेजिस्टेंस जोन जो है, इस रेजिस्टेंस जोन को कैसे हैंडल करते हैं, ब्रेक करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, रेजिस्ट लेते हैं, व्हाट एवर द एक्शन, उसको हमें केयरफुली मॉनिटर करना है। लेकिन ताकत तो बहुत ज्यादा लगा रहे हैं इसको ब्रेकआउट करने के लिए, क्योंकि RSI डेली अबोव 60, RSI वीकली अबोव 60 एट 62.01, मंथली RSI इज 57.45। दैट इज ओनली द रेस्ट्रिक्शंस दैट डॉलर इंडेक्स में है। सो क्या मंथली जो रेजिस्ट करना करने जा रहा है 260 इज, ये इस जोन रेजिस्टेंस जोन को रेस्पेक्ट कर पाएगा उसके कारण या नहीं, वो हमें देखना है। डॉलर रुपी 82.92 अभी है, कल अच्छा खासा ऊपर में मारा था, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है। मीन्स यहाँ पे ऊपर जाके 30-33 लेवल्स पे जाके फिर रेजिस्टेंस आ रहा है एंड प्राइस कंसोलिडेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। दैट बीइंग द केस, अभी जो हमारा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ये चेंज हो चुका है, और हमारा जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है ये आपका इस टाइप का हो गया है। सो कंसोलिडेशन बरकरार है, होने देते हैं जब तक जितना ज्यादा कंसोलिडेशन हो, उसके बाद ही एक अच्छा खासा ब्रेकआउट इधर साइड हो सकता है, पॉसिबली ऑन द हायर साइड। जीबीपी डॉलर अभी है आपका 1.2279, काफी वीकनेस है। कल आपका पॉज था बट वही लॉन्गर रन पे हायर इंटरेस्ट रेट का सिनेरियोस का मींस डिस्कशंस हुआ है ऑन बीओई रेट डिसीजन सिमिलर इन लाइंस टू फेड एंड आपका जीबीपी डॉलर और ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल था वो था आपका 1.23 से 1.2320, उस जोन को तोड़ के नीचे आ चुका है। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे एज ऑफ नाउ बाइंग का कोई नामोनिशन है नहीं, बाई डिप्स का कोई सवाल ही एट द मोमेंट बन नहीं रहा है। रेदर वी शुड गो फॉर सेल ऑप्टिक्स। सेल ऑप्टिक्स में इसको खेल सकते हैं जब तक कोई रिवर्सल सिग्नल्स नहीं आता है। जीबीपी आईएनआर पे भी सिमिलरली ये जो रेजिस्ट सपोर्ट जोन था आपका 101.80 से 102.50 का, इस सपोर्ट जोन के जस्ट लोएस्ट लेवल पे पड़ा हुआ है एंड ट्राइंग टू ब्रेक बिलो दैट वन, काफी नेगेटिविटी है। सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर्ड इन जीबीपी आईएनआर आल्सो। यूरो डॉलर एक ही है कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे जो कल का पिन बार बनाया हुआ है, इट सेज दैट मींस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मींस बेस आउट करके यूरो डॉलर ऊपर जाने के। जब तक इस पिन बार के लो के नीचे, दैट मींस 1.06 1.5 के नीचे क्लोज नहीं दे देता है, तब तक हायर पॉसिबिलिटीज है कि इस एरिया पे बेस आउट करके ऊपर में पुल बैक करने के लिए। पुल बैक कितना ऊपर होगा उसके लिए हमें प्राइस सेक्शंस का इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज इतना शार्प सेल ऑफ है, जितना भी ऊपर जाएगा वहां पे मार्केट में सेलर्स मिलेंगे। अभी यूरो आयनर में भी सपोर्ट जोन पे बैठा हुआ है आपका 88 से आपका 88.30, इसी लेवल पे ये बेस बनाने का प्रयास कर रहा है। काफी दिनों से हम इंतजार कर रहे हैं बेस आउट करने के लिए, लेकिन बेस आउट तो कर रहा है लेकिन रिवर्सल सिग्नल्स यानी बाइंग इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। डॉलर येन कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ था आपका 2147.32, लेकिन आज सुबह से आपका बाइंग दिख रहा है। एज ऑफ नाउ बीओजे आ चुका है या नहीं, एग्जैक्टली मैंने फॉलो नहीं किया बीओजे का आउटकम क्या हुआ या नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है ये एक अच्छा खासा सिग्नल दे रहा है। क्या सिग्नल है, मीन्स आने वाले हफ्तों में, आने वाले दिनों में, नेक्स्ट मीन्स मंडे ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट वीक मंडे ऑनवर्ड्स इसके लो के नीचे एक
भयंकर सैलाब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये INR पे भी पैसा उठ करके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अब मॉर्निंग से ही सेलिंग दिख रहा है। एग्जैक्टली वही है BOJ का, मैंने फॉलो नहीं किया है क्या आउटकम आया है, बट येन डेप्रिशिएट होना चालू हो चुका है। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे अभी भी बाइंग का सेटअप कंफर्म नहीं हो रहा है। ये डॉलर कैंडी यहाँ पे कल और परसों दो बैक टू बैक बुलिश कैंडल दिया हुआ था, लेकिन ये अभी बन चुका है आपका 20 सितंबर का लो के नीचे एक अच्छा खासा सेल ऑफ, मे बी टूवर्ड्स 1.3250 एंड 1.3170 के तरफ इसको लेके जा सकते हैं। ऑसी डॉलर कंसोलिडेशन बरकरार है, इस रेक्टेंगल के अंदर में खेलने देते हैं जब तक खेल पाता है, उसके बाद ब्रेकआउट के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। CNH 7.2998 ये कंसोलिडेशन कर रहा है ऊपर की तरफ, BBOC का अच्छा खासा सेलिंग इंटरेस्ट हम देख रहे हैं। अभी आते हैं हमारा ब्रेंट क्रूड 92.89। ये देखिए, इस कैंडल के होने के बाद 20 सितंबर का जो हमारा मॉर्निंग एनालिसिस था, वहां पे हमारा ये एक्सपेक्टेशंस था कि इसके लो के नीचे, ये इन्वर्टेड पिन के लो के नीचे देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ये आपका 91 की तरफ जाना चाहिए। कल का लो कहाँ पे मारा है? आपका लो मारा है 91.2, ऑलमोस्ट नियर। तो दैट बीइंग द केस, व्हाट नेक्स्ट में अभी ये देखना है, इस पिन बार इज बिकमिंग क्रूशियल। इसके लो के नीचे सेलर्स विल गेट एक्टिवेटेड, एंड ये जो 19 सितंबर का इन्वर्टेड पिन बार का हाई है उसके ऊपर एक भयंकर अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन द केस, जब तक इस दो डेट के हाई एंड लो के नीचे सस्टेन करता है तब तक ठीक है, एक बार आइदर से ब्रेकआउट देता है तब भयंकर अच्छा खासा हम एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं हमारा US 10-year ट्रेजरी 4.49, बहुत भयंकर स्ट्रेंथ दिख रहा है, काफी ऊपर चला गया है। दैट बीइंग द केस, इसमें हायर टेरिटरीज जा रहा है, जाने देते हैं, बिकॉज मार्केट इज अल्टीमेटली द सुप्रीम फेड। जब डिसाइड किया है कि नियर फ्यूचर में रेट कट का कोई सवाल ही नहीं है, रेदर ये हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ऊपर की तरफ ही रहेगा, एंड डेटा ड्रिवन, डेटा के ऊपर फिर फर्दर रिसर्च करेगा और फर्दर कितना हाई करना है या नहीं करना है। सो फेड इज द अल्टीमेट अथॉरिटी एज फार एज द US 10-year ट्रेजरी, 2-year ट्रेजरी, US ट्रेजरीज आर कंसर्न। सो उनको ही हमें ब्लाइंडली फॉलो करना है, वी कैन नॉट डिक्टेट देयर टर्म्स, ओनली थिंग इज दैट वी कैन फॉलो देयर फुटप्रिंट्स। दैट बीइंग द केस, ये अच्छा खासा ऊपर जा रहा है और क्या करें, जाने देते हैं। US आपका जो 2-year ट्रेजरी, ये पहले का जो रेजिस्टेंस 5.09 का, उसको तोड़ के ऊपर गया था, अभी ये पुल बैक करके सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे ये पुल बैक के बाद जब ऊपर जाएगा और भी ऊपर जाने का हायर पॉसिबिलिटीज है। सो ऊपर टेरिटरीज ट्रेजरी यील्ड्स जाने का मीन्स ऑलरेडी तैयारी कर रहा है, मीन्स तैयारी मीन्स काफी टाइम से कर रहा था, एंड ये FOMC रेट डिसीशंस के बाद और भी एग्रीवेट हो गया है। पुल बैक में ये ऊपर जाने का एवरी मोमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे एट।